डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने डिस्कस किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द कम्प्लेक्स वेरिएबल, उनके इनवर्स जो फंक्शंस हैं उनके लॉग के एक्सप्रेशंस हैं, इसी तरह इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी कुछ लॉग के ये एक्सप्रेशंस हैं, ये हम इनको प्रूव करेंगे। और इनमें से वही है कि सिमिलर वे में जैसे वहां पर हमने यूज किया था, यहाँ पर भी ये यूज करेंगे। वहां पर आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज हुए, मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे वो यूज हुए, यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे वो यूज होंगे। रेस्ट ऑफ आपको जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के फार्मूले आने चाहिए। और आए अब हम इनमें से मैं कोई एक प्रूफ कर देता हूँ, रेस्ट ऑफ दीज आप खुद ट्राई कीजिएगा, आसान है, जस्ट फार्मूले आपने अप्लाई करने हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के। तो देखे मैं इनमें से थर्ड पार्ट को चूज करते हैं हम, आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है 1-z को 0 नहीं होना चाहिए, मीन 0 प्लस आयोटा 0 नहीं होना चाहिए, मीन कि z को 1 प्लस आयोटा 0 नहीं होना चाहिए। तो लेट करें आप इसको, जो भी चीज आपने प्रूफ करनी है उसके लिए आप चलें इसको लेट कर लेते हैं, जैसे वहां पर लेट किया था यहां पर भी करेंगे कि tan ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z आपसे कह लें ये ओमेगा के इक्वल है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन यहां से आप z कह सकते हैं कि ये tan ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा होगा, ठीक है। और ये क्यों है जी, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के। यहां से अब आप देखें जी, फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, वो जहन में रहना चाहिए आपके, वो क्या है कि tan ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग क्या होता है जी, ये e ऑफ समथिंग माइनस e ऑफ माइनस समथिंग ओवर e ऑफ समथिंग प्लस e ऑफ माइनस समथिंग। अगर यहाँ पर समथिंग की जगह ओमेगा है तो सब जगह पर ओमेगा आ जाएगा, ओके। ये आप यहाँ पर एक आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, वो ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो उनसे हैं या हाइपरबोलिक फंक्शंस जो इनवर्स हैं, वो उनको एक्सप्लोर करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको एक्चुअल हाइपरबोलिक फंक्शंस के और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अगर आपको फार्मूले आते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आप हाइपरबोलिक फंक्शंस के इनवर्स भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। देखें जी, यही चीज अब आप अप्लाई करेंगे तो देयरफॉर क्या आ जाएगा जी, z इज इक्वल टू क्या है जी, e ऑफ ओमेगा माइनस e ऑफ माइनस ओमेगा ओवर e ऑफ ओमेगा प्लस e ऑफ माइनस ओमेगा। वेल, आप देखें यहां पर क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप tan हाइपरबोलिक इनवर्स इसके इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, या इनडायरेक्टली आप कहें कि ये दो चीजों को आप इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, ओके। तो हम इसके लिए मूव करेंगे कि ओमेगा आप कैसे आएगा। देखें यहां पर जब ऐसा एक्सप्रेशन हो तो हमने एक दो दफा यूज किया था कि हमारे पास क्या होता है जी, एक प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की। तो क्या था जी प्रॉपर्टी, हमने स्टडी की थी कि इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, और इसी तरह सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। मीन डिनोमिनेटर्स को एक दफा ऐड कर दें न्यूमिनेटर्स में और सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास इक्वालिटी, इसको क्या कहते हैं जी आप, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड, ये आपकी प्रॉपर्टी है जी, ये हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखें लेफ्ट साइड पर आपके पास z के साथ क्या है जी, z के डिनोमिनेटर में 1 है, तो z प्लस 1 ओवर z माइनस 1। राइट साइड पर क्या आ जाएगा जी, e ओमेगा माइनस e माइनस ओमेगा और प्लस e ओमेगा प्लस e माइनस ओमेगा, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट होगा e माइनस माइनस ओमेगा ओवर प्लस माइनस e ओमेगा प्लस e माइनस ओमेगा, ओके जी। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या आता है, z प्लस 1 ओवर z माइनस 1। वेल, ये देख सकते हैं कि ये और ये कैंसल आउट हो रहे हैं और यहां पर आपके पास ये और ये कैंसल आउट, ओके जी। तो नेट सिंप्लीफिकेशन देखें क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 2e ऑफ ओमेगा और नीचे आ जाएगा माइनस 2 माइनस ई ओमेगा, ओके जी। ये 2 भी दोनों कैंसल हो गए, तो नेट रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, z प्लस ओमेगा z माइनस 1 ओवर ई ओमेगा ओवर माइनस ई माइनस ओमेगा, ओके जी। यहां से आप देखें अगर क्या होता है जी, अगर आपके पास ई ओमेगा ओवर ई माइनस ओमेगा हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं,
ई ऑफ ओमेगा प्लस ई ऑफ ओमेगा मीन ई ऑफ टू ओमेगा। तो यही चीज हम अप्लाई करेंगे। अब क्या देगा जी, जेड प्लस वन ओवर जेड माइनस वन इज इक्वल टू ई ऑफ ओमेगा, ई ऑफ, हाँ जी एक माइनस भी आ रहा है तो माइनस ई ऑफ टू ओमेगा। माइनस को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पर माइनस को, तो आप देखेंगे माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पर तो जेड प्लस वन जेड माइनस वन ओके, और ई ऑफ टू ओमेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको आप लिख दें जेड प्लस वन ओवर वन माइनस जेड इज इक्वल टू ई ऑफ टू ओमेगा। ओके, सिमेट्री जरा बना लें आप, तो ई ऑफ टू ओमेगा राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्या है जी, वन प्लस जेड ओवर वन माइनस जेड। लें जी, आपका ऑलमोस्ट ये काम हो गया। अब लास्ट में आपका एक एक्सप्रेशन है जो आपको बार हर दफा यूज किया है कि अगर ई ऑफ जेड इज इक्वल टू, आप कहते हैं ये आपका ओमेगा होता है, तो यहां से आप कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू क्या होता है जी, लॉग ऑफ ओमेगा, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, अगर नहीं मेंशन तो अंडरस्टूड है कि वो नेचुरल लॉग ही है। ओके, ये हम यूज करेंगे, तो देखें यहां से क्या आ जाएगा जी, वन ओवर, सॉरी ये आ जाएगा जी जेड मीन के टू ओमेगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस जेड ओवर वन माइनस जेड, और दैट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू वन ओवर टू लॉग ऑफ वन प्लस जेड ओवर वन माइनस जेड। और ओमेगा देखें जी हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, ये हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जेड के। तो दिस इंप्लाइज डेट आपका फाइनल रिलेशन क्या आ गया जी, टेन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या जी, वन ओवर टू लॉग ऑफ वन प्लस जेड ओवर वन माइनस जेड। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आपका रिजल्ट है जी। इसी तरह आप दूसरे जो आपके एक्सप्रेशंस हैं उनको इन लॉग की टर्म्स में एक्सप्रेस करें बाय यूजिंग द सेम जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव फार्मूलाज हैं फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल साइन है तो साइन का फार्मूला आ जाएगा, कोस है तो कोस का आ जाएगा, और या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अगर टेन और कॉट है तो फिर आप इस फॉर्म में करेंगे। तो ये आसान है, आप इनको यूज करें।